जिला बिलासपुर में द्रंग दल का प्रांत स्तरीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 63 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रांत को 22 जिलों में बांटा है, जिसमें से 16 जिलों के शिक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया। उन्हें शिक्षा देने के लिए लगभग 12 शिक्षक मौजूद रहे और 15 प्रबंधक वर्ग के लोग भी इस आयोजन में प्रबंध करने में लगे हैं। यह प्रांत स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग 7 जुलाई तक चलेगा और इसमें युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और युवा पीढ़ी को सचेत करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें राष्ट्र के लिए कैसे कार्य करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें इस प्रशिक्षण शिविर में युद्ध और योग दोनों ही सिखाए जाते हैं। युवाओं को निशानेबाजी और योग भी सिखाया जाता है ताकि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट रहें। इसके अलावा उन्हें गौ रक्षा के लिए भी जागरूक किया जाता है ताकि वो गौ वंश की रक्षा कर सकें, और उन्हें लव जिहाद और धर्मांतरण के बारे में भी जागरूक किया जाता है ताकि वह समाज को एक सही दिशा दे पाएं। मैं लिखना चाह रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद प्रांत कार्याध्यक्ष के नाते मेरे पास दायित्व है। यहाँ पर बिलासपुर में बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण शिविर, जो कि पूरे देश के अंदर लगते हैं, 7 दिन का यह वर्ग होता है, तो यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अपना यह वर्ग चल रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रांत को 22 जिलों के अंदर बांटा है। उन 22 जिलों में से 16 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पर शिक्षार्थी के रूप में, 63 संख्या यहाँ पर शिक्षार्थियों की है, 12 यहाँ पर शिक्षक हैं और उसी तरह से लगभग 15 यहाँ पर शिक्षकों के साथ प्रबंधक इस वर्ग की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य तो यही कि अपना जो नौजवान है, वह जो आज कोई कहीं गलत दिशा में जा रहा है, कहीं नशाखोरी का पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो उससे बचे और राष्ट्र सेवा के कार्य के अंदर उसका क्या योगदान हो सकता है, कैसे हम उसकी ऊर्जा को राष्ट्र कार्य में लगा सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसकी मानसिकता उस तरह से तैयार होती है। और कुछ एक जो ज्वलंत समस्याएं अपने सामने आ रही हैं, तो युवाओं का उसके बारे में दृष्टिकोण ठीक रहे, स्वस्थ रहे और वह समाज को भी सुरक्षा प्रदान कर सके, वह भी इस दृष्टि से भी हम लोग तैयार करते हैं युवाओं को। उनका शारीरिक प्रशिक्षण होता है, जैसे योग है, नियुद्ध है, निशानेबाजी है, अपना जो शारीरिक प्रशिक्षण, जैसे आर्मी के अंदर उसका शरीर ठीक रहे तो क्रॉलिंग करके कठिन परिस्थितियों के अंदर कैसे हमको बाहर निकलना है, उस प्रकार का उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके साथ विशेष रूप से जैसे गौ सुरक्षा है, गौ जो बूचड़खाने के अंदर गौ जा रही है, उसकी स्मगलिंग होती है, उसको गौ को कैसे बचाना है, गोरक्षा अपना गोधन कैसे बचे, कृषि के ऊपर उसको कैसे किस प्रकार से उसको जोड़ा जा सकता है, और जो धर्मांतरण और लव जिहाद का जो विषय, योजनाबद्ध ढंग से कुछ बाहर के देशों ने और जो विधर्मियों ने चला रखा है, उसके ऊपर अपना किस प्रकार से हम अपने समाज को बचा सकते हैं, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, और जो छद्म नाम से अपना नाम बदल कर कुछ मुसलमान हिंदू नामों से हमारी बहु बेटियों के ऊपर जो नज़र गड़ाए बैठे हैं और यहाँ से उठा करके किसी को किश्तवाड़ पहुँचा दिया जाता है, किसी को कश्मीर के दूसरे हिस्सों के अंदर, किसी को यूपी बिहार के अंदर बेचा जा रहा है, उन परिस्थितियों को समझने के लिए अपने परिवार के लोग तैयार रहें, अपना हिंदू समाज उसकी कैसे उसका उससे बचा जा सकता है, तो इस करके सुरक्षा की गारंटी भी अपने हिंदू समाज की रहे, इस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षण दे करके ताकि वह अपने समाज की सुरक्षा कर सकें, ऐसा हम इस वर्ग के अंदर प्रशिक्षण देते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ही यह बजरंग दल का वर्ग जो है वो 7 दिन का वर्ग नौजवानों के लिए लगा प्रांत।